जो है इसको एक ऑर्गेनाइज कराते हैं डिफरेंट सिटीज़ में, नेशन वाइड है। हम लोग कराची में ये दो डेटाकॉन पाकिस्तान के नाम से इवेंट्स कर चुके हैं। सीनियर बिजनेस डिसीजन मेकर्स को यहाँ पर इन्वाइट करते हैं, वो यहाँ पर आके अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। डेटाकॉन इज एक्चुअली अबाउट दैट हाउ टेक्निकल कंपनीज एंड हाउ टेलको ऑर्गेनाइजेशंस आर, ये इन्फॉर्मेशन की अभी नीड है हमें पब्लिक में अवेयरनेस के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ टाइम के साथ मैं आपकी मेज़बान तैयबा वान। नाज़रीन, मैं लाहौर के पीसी होटल में मौजूद हूँ जहाँ डेटाकॉन की कॉन्फ्रेंस हो रही है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिजनेसमैन नज़र आ रहे हैं। हम जानेंगे जिन बिजनेसमैन से कि इन बिजनेसमैन का डेटाकॉन की कॉन्फ्रेंस में आने का क्या मकसद था और वो किस मकसद से आए, उन्होंने यहाँ क्या सीखा और वो क्या सीखने के लिए यहाँ आए थे, किन मुश्किलात का उनको सामना है, इस तरह हम जानेंगे उनसे। इस तरह वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? मोहम्मद अकबर नाम है। आई एम द सीईओ ऑफ स्कैप टॉक्स। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि डेटाकॉन के बारे में क्या जानते हैं आप? देखिए, डेटाकॉन जो इवेंट है ये एक एनुअल इवेंट है जो कि हम लोग हर साल जो है इसको एक ऑर्गेनाइज कराते हैं डिफरेंट सिटीज़ में, नेशन वाइड है। हम लोग कराची में ये दो डेटाकॉन पाकिस्तान के नाम से इवेंट्स कर चुके हैं और अब हम लोग ये लाहौर में कर रहे हैं। हमारा इरादा ये है इंशाल्लाह ताला हम इसको इस्लामाबाद भी लेके जाएंगे। तो इस इवेंट में होता ये है कि हम जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, वहाँ से हम सीनियर बिजनेस डिसीजन मेकर्स को यहाँ पर इन्वाइट करते हैं, वो यहाँ पर आके अपने एक्सपीरियंसिस को शेयर करते हैं और बताते हैं कि दुनिया भर में क्या हो रहा है इस फील्ड के अंदर, डेटा के अंदर, और हम लोग क्या कर रहे हैं और जो गैप है हम उसको किस तरह से ब्रिज कर सकेंगे। डेटाकॉन के मेन पॉइंट्स कुछ आप मेरे साथ शेयर करना चाहेंगे? जी, देखें, डेटा जो है वो आज अब कहलाता है कि इट्स टुडेज गोल्ड, इट्स टुडेज ऑयल और वट एवर यू कैन कॉल इट। तो इसमें यही है कि आप जितनी भी डिसीजन जो मेकिंग होती है बिजनेसेस के अंदर वो दैट इज़ ऑल बेस्ड ऑन डेटा। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले जो पास्ट डेटा है वो क्या है, अभी का डेटा क्या है, तो उसकी बेसिस के ऊपर आप उसको एनालाइज करते हैं और फिर आप बिजनेस डिसीजंस लेते हैं। जैसे कि देखिए, अभी काफ़ी ज़्यादा बिजनेस मैन अंदर मुझे कॉन्फ्रेंस में नज़र आए हैं, इन बिजनेस मैन का इस कॉन्फ्रेंस में आने का कोई मकसद? जी, बिल्कुल वही मैंने आपको बताया कि देखें, जो डेटा के ऊपर काम हो रहा है हमारे पाकिस्तानी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो बिजनेस डिसीजन मेकर्स आए हुए हैं, जो स्टेज के ऊपर बैठे हुए हैं, उनके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, वो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेके भी आ रहे हैं, इंटरनेशनल कंपनीज़ में भी काम किया हुआ है और वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो उनको पता है कि यहाँ पर जो डेटा के ऊपर काम हो रहा है, बाहर जो काम हो रहा है और कहाँ पर गैप है जिसको हम लोग ब्रिज करके हम कॉम्पीट कर सकते हैं ग्लोबली। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? आसमा जिशान। आसमा जिशान, मुझे ये बताइएगा कि आज हम डेटाकॉन की कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं, आप भी डेटाकॉन की कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं, मुझे ये बताइएगा डेटाकॉन है क्या? डेटाकॉन इज़ एक्चुअली अबाउट दैट हाउ टेक्निकल कंपनीज एंड हाउ टेलको ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजिंग अ मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा एंड हाउ दिस डेटा एनालिटिक्स इज़ एक्चुअली हेल्पिंग दीज ऑर्गेनाइजेशंस टू फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग, यस, एंड फॉर बेटर प्रेडिक्शंस। देखिए, अभी हम देख सकते हैं काफ़ी बिजनेसमैन जो है डेटाकॉन की कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, इनका यहाँ आने का कोई खास मकसद? देखिए, बिजनेसमैन और कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस क्यों आती हैं डेटाकॉन में? बिकॉज यहाँ पे इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री के ट्रेंड्स की डिस्कशंस होती हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री में क्या नॉर्म्स चल रहे हैं, क्या प्रेडिक्शंस चल रही हैं, उसके ऊपर डिस्कशन होती है, विच एक्चुअली हेल्प्स दीज बिजनेसमैन एंड कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस टू प्लान देयर फ्यूचर प्रेडिक्शंस That which is based on our products and services. हमारे व्यूवर्स के लिए कोई पैगाम देना चाहती हूँ आप? पैगाम मेरा यही है कि इस तरह की डेटा कॉन्फ्रेंसेज होती रहनी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री में जब प्रोफेशनल्स आपस में मिलते हैं और थॉट प्रोसेस शेयर करते हैं तो एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो उससे क्रिएट होती है, विच गिव्स अ वेरी पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान एज वेल, कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज आर ग्रोइंग, प्रोफेशनल्स आर ग्रोइंग एंड देर इज़ अ लॉट मोर रूम टू ग्रो फॉर यंगर एंड अदर प्रोफेशनल्स एज वेल हु एक्चुअली लर्न फ्रॉम अस। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? माय नेम इज़ फरहान अहमद। सो आई एम अ चीफ डाटा एंड एआई ऑफिसर एट एसलेस प्राइवेट लिमिटेड। सो वी आर अ सॉफ्टवेयर कंपनी, वी प्रोवाइड सॉफ्टवेयर सर्विसेज रिलेटेड टू वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट एंड सर्विसेज रिलेटेड टू डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सर, मुझे ये बताइएगा, जैसे कि आप देखते हैं कि आज हम पीसी में मौजूद हैं, डेटाकॉन की कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं, सर मुझे ये बताइएगा डेटाकॉन है क्या? डेटाकॉन बेसिकली यहाँ पे कॉन्फ्रेंस अरेंज की गई है जिसमें डेटा से रिलेटेड जो मार्केट की
हमारी बिगर कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर हो गया, टेलको हो गया, और उसके अलावा दूसरी एंग्रो ग्रुप हो गया और बड़ी कंपनीज, उनके अंदर जो डाटा ड्रिवन एक कल्चर डिवेलप किया जाए। और डाटा, क्योंकि आपको पता है आजकल हर कोई डाटा प्रोड्यूस कर रहा है, इंडस्ट्री में भी हर कंपनी में डाटा प्रोड्यूस हो रहा है, तो हाउ वी कैन यूज़ बेटर यूज़ दैट डाटा टू मेक डाटा ड्रिवन बिजनेस डिसीजंस। सो इसकी अवेयरनेस के लिए ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की हुई है, तो उसमें हम सारा कुछ देखिए, जैसे कि हम देख सकते हैं इस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी ज़्यादा बिजनेसमैन आए हुए हैं, उन बिजनेसमैन का ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का कोई खास मकसद आपको लगता है? बेसिकली ख़ास मकसद तो यही है कि हम सीखें इंडस्ट्री पार्टनर जो हैं, दूसरी कंपनीज जो हैं, वो किस तरीके से, जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं वो किस तरीके से डाटा गवर्नेंस और डाटा ड्रिवन डिसीजंस यूज़ कर रहे हैं, अपने कंपनी के अंदर किस तरीके से डाटा बेस्ड कल्चर्स बना रहे हैं, तो एक दूसरे से सीखना और जो अपनी लर्निंग है वो कंपनी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर शेयर करना दूसरों से, तो बेसिकली ये यही मकसद है यहाँ पे। मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि जो डाटा कॉन्फ्रेंस की में नहीं आए, डाटा कॉन्फ्रेंस में उनके लिए कोई पैगाम देना चाहते हो आप जो हमारी ये वीडियो देख रहे हो? जी ऑब्वियसली जो नहीं आए उनके लिए तो ये पैगाम है कि इसकी रिकॉर्डिंग अगर अवेलेबल हो होगी बाद में तो उसको फॉलो करें। तो इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि आप बेसिकली आम रूटीन में ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं अपने काम के अंदर, आपका जो काम है वो ही कर रहे होते हैं, लेकिन व्हेन यू मीट विद डिफरेंट पीपल एंड सी हाउ दे आर डूइंग, हाउ दे आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, एंड यू कैन देन लर्न फ्रॉम देम एज वेल एंड शेयर योर एक्सपीरियंसिस एज वेल फॉर अदर्स, सो इस तरह एंड गेट अ पोटेंशियल कोलैबोरेशन एज वेल फॉर एग्जांपल। सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे सर आप? अल्लाह का शुक्र। आपका नाम? हम्माद कलीम। हम्माद कलीम सर, देखिए डाटा कॉन की जो सारी मैनेजमेंट है ये आपने देखी, आपने कैसे इसको मैनेज किया? थोड़ा सा टाइम लगता है इसके ऊपर, हम पूरी कैलकुलेशन करते हैं, अपनी रिसर्च होती है, मार्केट एनालिसिस होता है, उसके बाद जाके हम देखते हैं कि हमें क्या नीड है, हमारी पब्लिक को क्या नीड है, कौन कौन से टॉपिक्स रेलेवेंट होंगे फील्ड के लिए, किन किन चीज़ों की इंफॉर्मेशन की अभी नीड है हमें पब्लिक में अवेयरनेस के लिए, उस हिसाब से हम लोग अपने टॉपिक। आइडिया आपको कैसे आया कि आपको डाटा कॉन की कोई कॉन्फ्रेंस रखनी चाहिए? पूरी टीम एफर्ट होती है, एक बंदे का आइडिया नहीं होता ऑब्वियसली, और हमें सबको मिलके एक साथ ही काम करना पड़ता है इन चीज़ों के ऊपर, मार्केट की रिसर्च होती है, आपकी मेहनत होती है, ये क्या रंग लाई है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खुद देख सकती हैं अंदर आके, हाउसफुल है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे कोई पैगाम देना चाहते हो आप हमारे देखने वाले व्यूवर्स के लिए? बस यही मेरा मैसेज है कि रेवोल्यूशन की तरफ जिस तरह से इवॉल्व हो रहे हैं हम लोग आजकल, तो नई चीज़ें आ रही हैं मार्केट में, नई इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो हर चीज़ में स्टडी करते रहना चाहिए, आप रुक के एक जगह पे नहीं बैठे, दुनिया बहुत जल्दी इस बदल रही है, चीज़ों में बहुत जल्दी बदलाव आ रहा है, अगर आप एक जगह पे रुक जाएंगे तो वहीं स्टक हो जाएंगे हमेशा के। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम आपका? ज़ैन ख्वाजा। ज़ैन ख्वाजा साहब, आज आप मुझे डाटा कॉन की कॉन्फ्रेंस में मौजूद नजर आए हैं, मुझे ये बताइएगा डाटा कॉन है क्या? बेसिकली इट इज़ अ कॉन्फ्रेंस जहाँ पे सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स पार्टनर्स इकट्ठे हुए हैं, एंड वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग द पावर ऑफ डेटा एंड हाउ वी कैन कोलैबोरेट विद ईच अदर एंड लेवरेज डेटा बेटर। अच्छा, मतलब ये बताइएगा कि डेटा कॉन्फ्रेंस किस तरह के फंक्शंस करने का या इवेंट करने का आपका कोई खास मकसद? देखिए, सबसे बड़ा जो इसका एडवांटेज फॉर अस होता है, आई रिप्रेजेंट ICI हेयर, सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है दैट यू इंगेज विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, यू अंडरस्टैंड उन्होंने क्या एडवांटेजेस लिए हुए हैं, एंड यू गेट अ हेड स्टार्ट, बजाय कि आई मेक द सेम मिस्टेक्स दैट अदर पीपल हैव मेड, आई कैन लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस एंड गेट अ हेड स्टार्ट एंड डू थिंग्स क्विकर फास्टर बेटर, एंड इट्स वाइस वर्सा ऑल्सो, अगर मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं तो आई कैन ऑल्सो शेयर विद पीपल के क्या वॉट वेंट वेल फॉर मी एंड वॉट डिड नॉट गो सो वेल फॉर मी। तो ये बताइएगा कि जैसे कि अभी अंदर कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इसमें से कुछ मेन पॉइंट जो आपको समझ आए और आपको चाहे आपको लगता हो कि अगले बंदे भी इस चीज़ को समझें? देखें, जो जिस पैनल पे मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी इन डेटा, जितने ज़्यादा पर्सपेक्टिव्स को यू ब्रिंग देम ऑन द टेबल, जितने ज़्यादा लोग लुक एट डेटा एंड आर पार्ट ऑफ दिस डेटा जर्नी, उतनी बेहतर आउटपुट्स निकलेंगी, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एम्पावर अपस्किल मोर people, bring them on the table and get the input from more and more people. Thank you. So, assalam alaikum. Ji wa assalam. Kya naam aapka? Farhan Zakir. Farhan Zakir sahab, ye dikhe abhi hum data con ki conference mein maujood hain, aap as a speaker ji batega ki aap data con kya hai?
आई थिंक आईसीटी के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक डेटा कॉन एक अच्छा काम कर रहा है, इसलिए कि उन्होंने डिफरेंट सीआईओस को बुलाया हुआ है, इस बार टेलीकॉम को भी बुलाया है, यू नो ऑल दीज इंट्रैक्शंस जो है वो अच्छी कोलैबोरेशन और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आके एक दूसरे की सोच को समझने का बड़ा अच्छा मौका मिलता है। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी काफ़ी सारे कॉन्फ्रेंस में बिजनेसमैन मौजूद थे, तो डेटा कॉन्फ्रेंस से ये जो डेटा कॉन्फ्रेंस है इससे उनको क्या बेनिफिट हासिल हुआ? आपको एक दूसरे के ख्यालात जानने का मौका मिलता है, जिसकी वजह से आप एक दूसरे के ख्यालात से फ़ायदा ले सकते हैं।